तो अब हम यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ का जो स्ट्रिंग पैरामीटराइज वर्जन है, जो एक और ओवरलोड वर्जन है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में कैरेक्टर पास करते थे, यहाँ हम स्ट्रिंग पास करेंगे। नाउ तो हम यहाँ हमारे एग्जांपल का एक कॉपी बना लेते हैं, फाइल सेव एज टी डॉट जावा नाम से एक नया कॉपी क्रिएट किया हम लोगों ने। मैं इसे टी नाम से सेव कर लेता हूँ। नाउ हम यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ में कैरेक्टर की जगह पर स्ट्रिंग पास करना है। तो सपोज हम यहाँ पर लाइक्स नाम का जो हमारा टोकन है, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ कैसे वर्क करता है? लास्ट इंडेक्स ऑफ राइट टू लेफ्ट सर्च करता है, और इंडेक्स ऑफ कैसे वर्क करता है? वो लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। तो हमें यहाँ पर राइट से सर्च करना है और जो फर्स्ट अकरेंस होगा उसका इंडेक्स बताना है। तो हमें तो मालूम है कि जो लाइक्स है इसमें इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 6। जो नेक्स्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स क्या है, 37। ना उसके बाद नेक्स्ट जो लाइक्स है उसका इंडेक्स क्या है, 77। तो यहाँ पर इस तरह से आपको मालूम है लाइक्स 3 टाइम्स अकर हुआ है, और अगर हम राइट से सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट अकरेंस होगा राइट से उसका इंडेक्स क्या है, 77। तो हमने कहा लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग पैरामीटराइज वर्जन हम ट्राई करने वाले हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ बोलता है कि मैं आपके टारगेट स्ट्रिंग के ऊपर राइट से लेफ्ट सर्च परफॉर्म करूँगा, जहाँ फर्स्ट अकरेंस फाउंड होगा उसका इंडेक्स मैं आपको रिटर्न करूँगा। तो जो लाइक्स है राइट टू लेफ्ट हम अगर सर्च करते हैं तो क्या होगा, जो लाइक्स का जो फर्स्ट अकरेंस है वो ये रहा, और ये फर्स्ट अकरेंस है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स क्या है, 77। ये 77 वैल्यू हमको रिटर्न होगा। तो मैं यहाँ पर जावा सी टी डॉट जावा इस हमने फाइल को कंपाइल किया। नाउ मैं टी क्लास को रन करके दिखाता हूँ, 77। नाउ यहाँ पर हम स्ट्रिंग टोकन को सर्च कर रहे हैं, तो एक बार वापस देखेंगे हम ये एज इस वर्ड को, इसका वर्ड का जो फर्स्ट अकरेंस है इसे सर्च करते हैं एज। नाउ कंपाइल किया हम लोगों ने और इसको हम लोग रन करके देखेंगे, 97। तो राइट से इसका जो फर्स्ट अकरेंस है ये हम देखने वाले हैं। आप देखेंगे ये ही नो जो वर्ड है ये भी बार बार अकर हुआ है, ये देख सकते हैं एक बार, देन उसके बाद अगेन यहाँ पर यही अकर हुआ है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ है इसमें ही इस वर्ड को सर्च करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि जो लास्ट लाइक्स वर्ड है उसका इंडेक्स था 77, और हमने देखा ही का जो इंडेक्स क्या होगा, उसके फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स यानी कि 74। तो मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ और हमको फिर से कंपाइल करके दिखाता हूँ। हमने वंस अगेन कंपाइल किया, नाउ मैं इसको रन करके दिखाना चाहता हूँ, ये हो गया 74। और यहाँ लास्ट इंडेक्स ऑफ का जो स्ट्रिंग पैरामीटराइज वर्जन है आपने ट्राई किया। इमेजिन करो अगर मैंने यहाँ लिखा होता आर, आपको तो मालूम है पूरे टारगेट स्ट्रिंग में आर ये टोकन कहीं पर भी अकर नहीं हुआ है, तो आपको क्या रिटर्न होगा, -1। कंपाइल करते हैं और हम इसको वंस अगेन रन करेंगे, -1। तो हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ कैसे वर्क करता है जो स्ट्रिंग पैरामीटराइज इसे देखा। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आप लोगों को इसका जो फ्रॉम इंडेक्स पैरामीटराइज वर्जन है यानी कि जो टू पैरामीटराइज वर्जन है ये मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही।